चैनल। एक मंथ पहले मैंने रिव्यू किया था न्यूली लॉन्च्ड गार्नियर लाइट विटामिन सी सीरम का, मैं यहाँ लिंक कर दूंगी तो आप वो चेक करना बिल्कुल मत भूलना। सो उसी का मैं अपडेट रिव्यू अब कर रही हूँ कि वन मंथ बाद आपको उसे क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, मुझे पर्सनली क्या चेंजेस देखने मिले, प्लस क्या मेरा रूटीन होता है फॉर स्किन केयर, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी और डिटेल्ड अपडेट रिव्यू भी दूंगी क्या मुझे इसका पसंद आया क्या नहीं आया। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपका सब्सक्राइब बटन अभी तक आपने प्रेस नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बिल्कुल बेयर फेस हूँ, लाइक देयर इज नो मेकअप एट ऑल, ताकि आप मेरी स्किन अच्छे से देख सको कि क्या डिफरेंसेस आए हैं। मुझे थोड़े बहुत यहाँ फोरहेड पे बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स थे, वो भी कम हो गए हैं। सो मैं बहुत हद तक इस सिरम से खुश हूँ क्योंकि इसने मेरे डार्क स्पॉट्स कम कर दिया और अनइवन स्किन टोन, जो मेरे अराउंड माउथ भी थी बहुत ज्यादा अनइवन स्किन टोन, ये भी उसने बहुत कम कर दिया। प्लस इतनी कम रेंज में विटामिन सी सिरम मिलना है अमेजिंग। सो मैं अपनी स्किन केयर आप सभी की तरह स्टार्ट करती हूँ क्लेंजिंग से। सो फॉर क्लेंजिंग आई यूज दिस गार्नियर माइसेलर वाटर, इससे मेकअप भी रिमूव हो जाता है, एट द सेम टाइम आपके जो यू नो इम्प्योरिटीज और डर्ट्स है वो भी रिमूव हो जाता है, आपकी स्किन पे बिल्कुल भी हार्श नहीं है, बहुत जेंटली आपका पूरा मेकअप बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। मैं इसे मॉर्निंग में भी यूज कर लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में इतने ज्यादा फेस वॉश की मुझे जरूरत नहीं लगती है। आई जस्ट टेक अ लिटिल बिट अमाउंट ऑन माय कॉटन पैड और मैं पूरा अपना फेस साफ कर लेती हूँ, दैट्स इट। उसके बाद मैं अपना गार्नियर का सिरम लगा लेती हूँ, एंड देन नाइट में भी जो मेरा मेकअप वगैरह रहता है वो इससे बहुत इजीली मेल्ट होकर रिमूव हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। प्लस आपको बहुत ज्यादा टगिंग और पुलिंग भी नहीं करनी पड़ती क्योंकि मोस्टली जो आई मेकअप होता है वो सबसे ज्यादा हैवी होता है और ये बहुत इजीली रिमूव कर देता है। अगर आप बहुत ज्यादा टग करते हो अपने आई एरिया को तो यू नो रिंकल्स आ जाते हैं, प्लस वहाँ की स्किन डैमेज भी हो सकती है क्योंकि वहाँ की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और बहुत ज्यादा थिन होती है। सो ये मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव करता है और अगर आपके फेस में कोई इम्प्योरिटी वगैरह है तो वो भी बहुत अच्छे से रिमूव करता है। नाउ सिंस फेस साफ हो गया तो उसको मॉइस्चराइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, सिंस अभी तो बहुत ज्यादा ड्राई सीजन चल रहा है तो मेरा फेस तो बहुत एक्सट्रीमली ड्राई बिहेव करता है कभी कभी। सो फॉर मॉइस्चराइजिंग मैं यूज करती हूँ गार्नियर लाइट कम्प्लीट विटामिन सी सिरम, ये आपके डार्क स्पॉट्स को कम करता है, अगर आपको पिंपल स्पॉट्स है वो भी कम करता है, इवन स्किन टोन बनाता है और ये बहुत ज्यादा यू नो लाइट वेट है, आपके फेस को मॉइस्चराइज भी करता है बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा लाइट वेट है। सो यू नो ग्रीसी जो कुछ सिरम होते हैं वो चिप 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 फील करते हैं, ये बिल्कुल भी वैसा फील नहीं करता है, आपकी स्किन में एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है, प्लस आपकी स्किन को अंदर से ग्लोइंग बनाता है। मेरी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो गई है जब से मैंने यूज करना स्टार्ट किया है। सो मैं इसकी कुछ ड्रॉप्स अपने पाम पे ले हल्का सा रब करके एंड देन अपने फेस पे डैप करती हूँ, दैट्स इट, मेरी स्किन अंदर से ग्लो करने लगती है जो कि बहुत अच्छी चीज है। प्लस इस विटामिन सी सिरम में यूजू लेमन और 30 टाइम्स मोर विटामिन सी, जिसकी वजह से जो विटामिन सी की कंसेंट्रेशन है हाई है तो आपकी जो स्पॉट्स वगैरह है वो यू नो कुछ ही दिनों में कम होते हैं, आपको दिख जाएंगे बहुत आराम से और उसके हिसाब से बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में विटामिन सी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव मिलता है बट ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, तो अगर आप ये ट्राई करना चाहते हो तो जरूर ट्राई करना। सो मैं इसे यूज करती हूँ 2 times a day, मैं मॉर्निंग में भी इसे यूज करती हूँ एंड देन नाइट में भी मैं इसे यूज करती हूँ। अगर मुझे नाइट में ऐसा लग रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है तो मैं इसके ऊपर से कोई मॉइस्चराइजर भी लगा लेती हूँ, इसका कोई ऐसा इशू या साइड इफेक्ट नहीं होता। सो आप इस सिरम को मॉइस्चराइजर के साथ, सनस्क्रीन के साथ और मेकअप के साथ भी आराम से यूज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ माई स्किन केयर रेजिम, आई यूज दिस गार्नियर शीट मास्क। सो ये भी एक ब्राइटनिंग मास्क है प्लस ये भी विटामिन सी मास्क है, इसको आपको 15 मिनट के लिए अपनी स्किन पे अप्लाई करना है, देन आपको रिमूव करके अच्छे से जब आप यू नो मसाज करोगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज हो जाएगी, सपल फील करेगी, प्लस एट द सेम टाइम ये जो डल स्किन है और डार्क स्पॉट्स है उनको भी बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। सो मैं ये मास्क 2 to 3 times a week में यूज करती हूँ ताकि मुझे एक्स्ट्रा मॉइस्चर मिलता रहे, क्योंकि इसमें इस मास्क में 1 week का सिरम, सो वो जब स्किन में एब्जॉर्ब होता है तो जो विटामिन सी है वो ज्यादा अच्छे से काम करता है, प्लस आपके डार्क स्पॉट्स डल स्किन सबको ट्रीट करता है, और मैं इसे मोस्टली रात में यूज करती हूँ सो दैट ये अच्छे से काम कर सके और मेरी स्किन को ज्यादा अच्छे से रिहाइड्रेट कर सके। सो गाइज ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं ये काफी ट्रेवल फ्रेंडली है, प्लस बहुत इजी स्किन केयर रेजिम है जो हर कोई फॉलो कर सकता है। मेरी स्किन में आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हो कि 1 month में कितना ज्यादा डिफरेंस आया, मेरी स्किन एकदम ग्लोई हो गई है और यू नो डार्क स्पॉट्स भी रिड्यूस हो रहे हैं, जो मैं बहुत खुश हूँ जिनकी वजह से, स्पेशली मेरे फोरहेड पे बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स हो रहे थे वो बिल्कुल कम हो गए और मेरे फेस के राउंड भी। सो अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदने हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो चेक करना बिल्कुल मत भूलना। सो मैं तो अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।